वेलकम बैक टू चैनल गाइस, नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम के अंदर आप कैसे अपने पोस्ट के कैप्शन को चेंज कर सकते हैं, मतलब आपके पोस्ट को कैप्शन को डिजाइन लगा सकते हैं। मतलब आप कुछ भी डालोगे तो आपकी पोस्ट मतलब जो कैप्शन है वो डिजाइन के अंदर आएगा, फोटो के ऊपर, वीडियो के ऊपर। तो हम सीधा चलते हैं अपने इंस्टाग्राम के अंदर। तो देख सकते हैं आप अपना इंस्टाग्राम, तो देख सकते हैं मैंने एक वीडियो सेलेक्ट किया है। उसके बाद में हम यहाँ पे अपना कैप्शन डालते हैं वीडियो में, आप फोटो भी ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं मैंने जो ये छोटा सा कैप्शन लिखा है, अब आपको अगर ना इसे कॉपी कर लेना है तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद में आपको इसे कॉपी करने के बाद आप कोई भी ब्राउजर ले लीजिए, आपको कोई भी ब्राउजर पे आ जाना है। तो आप क्रोम ब्राउजर पे आएंगे तो उसके बाद में आपको जो सर्च करना है यहाँ पे instafont.io, तो आपको ये सर्च करना है। उसके बाद में आपको वो जो कॉपी किया वाला यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं आपको अलग अलग डिजाइन मिलेगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत सारे डिजाइन है अलग अलग तरीके से। तो आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब जो भी आपको सूट, आपके पोस्ट को सूट करे, मतलब जो अच्छे दिखे वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम इसे एक कॉपी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कॉपी कर लिया है। उसके बाद में फिर से आपको आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे आना है। आप देख सकते हैं मैं इसे सेलेक्ट ऑल करूँगा फिर से और पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके जो पोस्ट है उस पे पोस्ट कर देना है। तो इस तरह से जो आपने इंस्टाग्राम पोस्ट को जो अलग अलग फॉन्ट को है आप चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।